अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो, क्योंकि आज पहली रबीउल अव्वल है और रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। उसकी खुशी में आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप सूजी ली है मैंने, 1 कप चीनी है, 1/2 कप घी लिया है, बादाम, पिस्ते, खोपरा और किशमिश आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और 1/2 कप पानी लिया है। ये कढ़ाई ली है, इसमें डाल देंगे 1/2 कप घी जो हमने लिया था। अब इसमें डालेंगे सूजी, सूजी का कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, चमचे चलाते रहेंगे मुस्तकिल, इसमें रुकेंगे नहीं चमचा। अब हलवे का बना रहे हैं शीरा, जिसके लिए मैं डालूंगी पतीली में पानी। सूजी बुन रही है और उसी के साथ साथ ये सब बनाते जाएंगे। इसमें डाल दिए चीनी, सूजी में मुस्तकिल चमचा चला रहे हैं, इसमें रुकना नहीं है चमचे चलाते हुए, और इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे सूजी की, तब तक इसको भूनते रहेंगे, लेकिन इसको जलने नहीं देंगे। शीरा जो बनने को रखा था वो रेडी है, अब ये तैयार हो गया है। सूजी जो थी वो दिखाई थी वो भी भुन चुकी है, अब इसको डालेंगे शीरे को सूजी में भुनी हुई। सूजी भुन गई, अब इसमें डालेंगे शीरा। जब सूजी में शीरा डालें तो बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि छींटे आती हैं इसमें। शीरा डाल दिया है भुनी हुई सूजी में, अब इसमें मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे चमचे, यानी भून लेंगे। अब सूजी जो भुनी हुई है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, और फिर इसको 1 से 2 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। ये एक ट्रे लिए हलवे के लिए, इसमें लगाएंगे, हाथ से ऑयल ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जितना अच्छा काम होता है उतना ब्रश से नहीं होता है। हम पहले थोड़ा सा बादाम पिस्ता और खोपरा भी डालेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है नीचे से भी, उसके बाद ऊपर भी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हलवा जो रेडी हो चुका है, पूरा हलवा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम हलवा निकाल लिया है ट्रे में, अब इस पर डालेंगे बादाम पिस्ता। हलवे के ऊपर बादाम पिस्ता, खोपरा और किशमिश गार्निश कर दिया है। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जम जाए, और फिर इसकी डायमंड शेप में काट लेंगे। हलवा कड़क हो चुका है, जम गया है, अब इसको डायमंड शेप में काट लेंगे। सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा रेडी है। इसको आप ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये साइडों से कितना पतला बना है और बिल्कुल डायमंड शेप में कटा हुआ है, और ये जो काटने के बाद बच जाता है ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना नरम बना है ये। आपको आज की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी, इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। बहुत ही मज़े का हलवा बनता है ये सूजी का टुकड़ियों वाला, और जब इसको काटेंगे तो आप जब इसको शेप में काटेंगे तो ये उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी गार्निश कर सकते हैं। यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।